हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है पूर्णिमा का ब्लॉग, जैसे कि राखी पूर्णिमा का। सो गाइस, आज पूर्णिमा भी थी, भगवान की शिव जी की पूजा भी करनी थी और उसके बाद में आज सुंडवी जी माना था, तो बहुत सारे काम थे। तो मैंने ना गार्डन से तो मैं आ गई थी, बाकी खुशी तो काम निपटा रही है, बाकी के सब काम निपटाई थी मैंने। और मुझे आज करनी थी पूजा, जैसे कि आज के दिन ज़्यादा पूजा थी, दो दो तीन तीन पूजाएं थी, तो इसके लिए, क्योंकि आज सत्यनारायण की कथा वगैरह सभी करनी थी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वो था कि मैं जल्दी से काम निपटाऊँ। तो मैंने ना बेलपत्री मंगाई थी, इसमें से एक भी बेलपत्री अच्छी नहीं निकली है, तो मैंने सब भर के रख दी, क्योंकि कोई भी चीज़ चढ़ाओ तो अच्छी चढ़ाओ, भगवान को एक भी रही तो चलेंगी, लेकिन ये कुछ काम का नहीं था मेरे, तो मैंने इसके लिए ना इसको अभी भर के रख दूँगी और मैं मेरा बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, फिर उसके बाद में हम करेंगे पूजा। सो गाइस, मेरे बर्तन वॉश करना हो गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी 1:30 बजे तक तो आज सुंड जमाने का टाइम था ही नहीं, तो मैं साइलेंटली पूजा करूँगी और फिर आराम से भगवान के लिए भोग बनाना है। और वैसे भी आज मम्मी के यहाँ शाम में जाना ही था मुझे। और इधर पूजा थोड़ी सी निपटा के और फिर मैं, क्योंकि भोग लगाना है मुझे, तो पहले मैं ये निपटाऊंगी, पहले भोग का बना लूंगी, फिर उसके बाद में वापस से पूजा कर लूंगी, जब तक कि मेरे सब काम निपट जाएंगे। सो गाइज़, मैं अभी खाना बना लूँगी, फिर उसके बाद में भोग लगा के फिर आरती वगैरह करूँगी। वैसे पूजा हो चुकी थी मेरी, लेकिन अभी मुझे सुंड जिमाने के लिए टाइम था, इसके लिए मैं पहले भोग बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं आरती और सुंड जिमाऊँगी। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहनें हैं जिनको सब अलग अलग रीति रिवाज होते हैं सबके घर के,
तो सुंड मीन्स जो राखी बांधते हैं, जो दीवारों पे गेरू और चूने से मारना पड़ता है, तो ये शगुन की चीज़ें होती है, ये करनी होती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ कि हमारे इसमें ये करते हैं, मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ। बहुत से लोगों को होगा कि क्या है सुंड, तो वो थोड़ा इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है और अभी मैं बनाऊँगी, सॉरी अभी मैं लगाऊंगी भगवान को भोग और उसके बाद मैं आरती करूंगी, क्योंकि बाकी तो मेरी पूजा हो चुकी थी और इसके बाद में हम जिमाएंगे सुंड। तो भगवान को राखिया बांधना, उसके बाद सुंड जिमा के जब सुंड को जो गेरू और चूने से हम मानते हैं, जो शगुन के जैसे चांद सूरज निकालने होते हैं, हमारे बच्चे के जैसे होते हैं वो घर के, तो बस वही हमको उनको भी राखियाँ बांधनी होती है। फिर उसके बाद में हम घर में पूजा पाठ घर में राखियाँ बांध सकते हैं, उसके बाद में ही हम खाना खाएंगे। तो मेरी पूजा हो चुकी है अभी। वैसे मैं तो थोड़े नीचे मांडती थी सुन, लेकिन अभी ये साल खुशी ने मांडे हैं। तो ये देखिए कुछ स्वास्तिक बनाए थे, कुछ चांद सूरज, तो ऐसे किचन में दरवाजे में ऐसे इस तरीके से करते हैं। और आज मैंने मेरा ओढ़ना नहीं निकाला है क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस अभी सुन जिमाऊँगी और ये सब होने के बाद में खाना खाऊँगी, नहीं मैं खुद भी जिमूँगी। फिर उसके बाद में मम्मी के यहाँ पर भी जाना है, सो बस वही कर रही हूँ। तो इसी तरीके से करते हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं स्टूल पे खड़े होके जिमा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर खुशी ने मान दिए थे इसके लिए। खाना खा के थोड़ा सा आराम करके, क्योंकि अभी सुन जिमाना हो गया मेरा, तो अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे मम्मी के यहाँ। तो बहुत ज़्यादा जोरों की बारिश हो रही थी गाइस, तो अभी खुशी हो गई है रेडी और हम उसकी ले रहे हैं, थोड़ी सी मज़ा ले रहे हैं कि वो रेडी हो चुकी थी और उसके बाद में उसके थोड़ा सा हंस रहे थे हम उसको। सो गाइस हम ना अभी जाने ही वाले थे, खुशी रेडी हो चुकी है और बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा जोर, बहुत जोरों से पानी आ रहा था। सो गाइज मैं आज का ब्लॉग अब यही एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।